हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री लगातार स्वास्थ्य सेवाओं पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, जिसके चलते जहां लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल शिमला IGMC का औचक निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के और अधिक मरीज सामने आते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC स्वास्थ्य केंद्र मंत्री डॉक्टर राजीव सेजल, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के साथ नई बिल्डिंग का औचक निरीक्षण किया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में अब कमी नजर आएगी, क्योंकि प्रदेश में और पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसके चलते अब प्रदेश में बाजार केवल 3 घंटों के लिए खोले जाएंगे तथा निजी एवं सरकारी वाहनों के ऊपर पूर्ण तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। निजी वाहन केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वह IGMC के नई बिल्डिंग में न्यू OPD के निरीक्षण के लिए आए हैं तथा उन्होंने कहा कि ये 9 फ्लोर COVID-19 के नाम पर डेडिकेटेड रहेंगे ताकि कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि वह टीकाकरण का अभियान 45 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए सही ढंग से चलाया जा रहा है। टीकाकरण में कहीं भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है तथा जैसे ही प्रदेश सरकार को वैक्सीन उपलब्ध होती है वैसे ही वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। अब मामलों में जिस गति से बढ़ोतरी हो रही थी उसमें धीरे धीरे अब कमी आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज से एक तो हिमाचल प्रदेश में रिस्ट्रिक्शंस भी हमने पूरी तरह से लागू कर दी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद है, मार्केट बिल्कुल बंद है और सिर्फ 3 घंटे की उसमें इजाज़त है छूट की और वो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए। यहाँ IGMC हम आज इस बात को देखने के लिए आए थे, जो न्यू OPD हमारी है ये लगभग बन कर के तैयार है और अभी इस वक्त हमारी प्राथमिकता जो कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए ठीक जगह उनके ट्रीटमेंट के लिए मिले हॉस्पिटल के अंदर, उस बात को सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से हमने OPD के जो 9 फ्लोर इसके हैं हमने फिलहाल कहा कि जब तक ये कोविड का संकट है तो हम यहाँ और कुछ नहीं करेंगे, ये पूरा डेडिकेट करेंगे कोविड के लिए। और कोविड के टोटल पेशेंट की हमारे इस वक्त जो है वो लगभग 250 एडमिशन्स हैं IGMC में और हम इसको मान करके चल रहे हैं कि 500 की कैपेसिटी हमारे इसी प्रमाइसिस में जो है वो IGMC के प्रमाइसिस में जो है इससे ज़्यादा हम कंटेन करने की स्थिति में हो पाएंगे जिनका ट्रीटमेंट यहाँ कर सकते हैं ठीक प्रकार से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये कोविड का ये दौर थमेगा और प्रदेश की जनता से भी मैं चाहूंगा कि भी अब इसमें सहयोग करें। सब लोग चाह रहे थे सख्त हो, अब नियम हमने सख्त किए हैं अभी इन दिनों में कर्फ्यू के, तो उसमें हिमाचल प्रदेश में इन नियमों का पालन करें लोग और पालन करने के साथ साथ में प्रदेश की जनता इसमें सहयोग करे ताकि इस कोविड के संकट से हम बाहर निकल सकें। सर वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, क्योंकि हालांकि लेट शुरू होनी है, क्या बातचीत हुई है? वैक्सीनेशन देखिए हमारी चली हुई है, एक फेज तो हमारा जो चला हुआ वो तो चला हुआ है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सिर्फ बात यह है कि 18 से 45 साल की जो वैक्सीनेशन जो नए यंग जनरेशन के लिए लगनी है, जो फेज हमारा शुरू होना है, उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और हमने वैक्सीन के लिए जो है जिस कंपनी के साथ हमने टेकअप करना था वहाँ हमने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया है और उम्मीद करता हूँ जैसे वैक्सीन वहाँ से उपलब्ध हो गई उसके बाद हम फेज मैनर में जो है वो उसको हिमाचल प्रदेश में 18 से 45 की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। हमने कहा 2 शिफ्टों में अभी इन दिनों में हमने ट्रॉमा वार्ड का जो यहाँ पर जो है वो काम शुरू किया है और उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि जून लास्ट तक और जुलाई के महीने तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा और ये भी एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल IGMC के कॉम्प्लेक्स में ही यहाँ पर इसी प्रमिसिस में हो पाएगी और इसके माध्यम से भी बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य की हम देने की स्थिति में हो पाएंगे। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।